फ्रेंड्स, वेलकम टू इजाकिस्वाद। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल का चिल्ला, जैसे हम शादियों में खाते हैं ना, वैसा वाला। अक्सर हमें शादियों में खाना तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब हम घर में बनाते हैं तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है। तो चलिए शादी जैसा मूंग का चिल्ला बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 3/4 कप साबुत मूंग, जिसे मैंने भिगो दिया है। मिनिमम हमें 4 घंटे के लिए भिगोना है। आप चाहते हो तो ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। फिर इधर मैंने ले लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 हरी मिर्च, ये स्वादानुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। 6 से 8 लहसुन की कलियाँ, आप नहीं खाते तो उसे ओमिट भी कर सकते हैं। और कुछ करी पत्ता। करी पत्ता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है इसे इसमें इंक्लूड करके खाने का। फिर हम क्या करेंगे, उस पानी को हम डिस्कार्ड करके, जिसमें हमने मूँग को भिगोया था, हम मूँग को मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, लहसुन की कलियाँ, कुछ करी पत्ता, नमक स्वादानुसार और 2 बड़ा चम्मच पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है। और हम इसे पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो ये घोल जब पिस जाएगा, आप इसके बाद में इसके अंदर ग्रेटेड लौकी भी डाल सकते हैं। तो ये लौकी खाने का और खिलाने का बड़ा अच्छा तरीका है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा और 2 बड़ा चम्मच पानी, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल का आटा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच चावल को भी भिगो सकते हैं मूंग के साथ में। तो रेडी हो चुका है ये हमारा घोल चिल्ले का। तो मैं आपको बताती हूँ, इसके साथ में मैंने ले लिया है पनीर, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, गाजर, उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है, और बारीक कटे हुए धनिया पत्ती। फिर मैंने ले लिया है आयरन का तवा, इसीलिए मैं इसका टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। हमें इसे अच्छे से गर्म करना है, पर इनके साथ नॉन स्टिक यूज़ कर, इसे इतना गर्म नहीं करना है हमें। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल और पानी का छींटा दे देंगे, और फ्लेम को बंद करके हम इसमें प्याज पिरा देंगे। आपको पता ही हमें पानी का छांटा क्यों डालते, ताकि हमें टेम्परेचर को कूल डाउन करना है, क्योंकि तवा बहुत गर्म होता है। फिर हम इसमें डाल देंगे मूंग के चिल्ले का घोल, जो हमने तैयार करके रखा है, उसे फैला देंगे। मैं इसे मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे छोटा बना सकते हैं, एकदम बड़ा बना सकते हैं, ओवल शेप दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो दे सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें इसे पतला फैलाना है। तो कॉर्नर से आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे पतला कर रही हूँ, और आपको इसे फटाफट करना है, क्योंकि जैसे जैसे गर्म होता जाएगा ये चिपकते जाएगा, तो ये फैलने में दिक्कत होगी। तो मैंने इसे फैला लिया है। और फिर हम क्या करेंगे, फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। आप चाहे तो तेल डाल सकते हैं या मक्खन डाल सकते हैं, पर घी बेस्ट ऑप्शन है। फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे ग्रेट किया हुआ पनीर, ग्रेट किया हुआ गाजर, और बारीक कटे हुए धनिया पत्ती। आप चाहे तो बारीक कटे हुए प्याज डाल सकते हैं, बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल उसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, तो वो और भी आसान हो जाएगा। और अगर वो सब भी कुछ भी नहीं है तो ये प्लेन भी बड़ा अच्छा लगता है चटनियों के साथ में। तो 2 से 3 मिनट इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो आप देखेंगे 2 से 3 मिनट बाद में कितना बढ़िया क्रिस्पी चिल्ला बनके तैयार हुआ है, और हम इसे सर्व करेंगे। तो है ना दोस्तों, बिल्कुल शादी जैसा मूंग की दाल का टेस्टी चिल्ला, साथ ही साथ हेल्दी भी, और बनाने में बड़ा आसान। तो आप भी मूँग की दाल के चिल्ले को ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको चिल्ला कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।